चलो गाइस, लेट्स टेक दिस मशीन फॉर अ शॉर्ट स्पिन एंड लेट्स सी व्हाट यामाहा गिव्स इन दिस मोटरसाइकिल एंड व्हाई दिस मोटरसाइकिल हैज क्रेजीएस्ट फैन बेस। इसके लिए क्यों मतलब आप इतना यामाहा ने चार्ज किया है वो मुझे देख के मुझे पहले गुस्सा आया था कि यामाहा क्या कर रहा है, इतना एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल 155cc क्या कर रहा है। बट नो आई रिग्रेट माय वर्ड्स। यस गाइस, सो हे व्हाट्स अप माय थर्ड फैमिली, दिस इज अरिंदम, यू आर वाचिंग द व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हो, होप यू आर गुड एंड एक्सट्रीमली वेल। सो फिर से एक तोड़ फोड़ वाला वीडियो लेके आ चुका है आपका भाई, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ द टॉर्कीएस्ट मोटरसाइकिल अंडर 200cc एंड इट्स अ नेकेड सेगमेंट। तो सोच ही सकते हो आप, नाम से पता चल ही गया होगा आपको, अगर नहीं पता चला तो बोल दूंगा दिस मोटरसाइकिल बिलोंग्स फ्रॉम यामाहा। एंड यस गाइस, इट्स वन ऑफ द टॉर्कीएस्ट मोटरसाइकिल द नेकेड द यामाहा MT-15। सो गाइस चलो इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं। एंड भाई ने जो है 19-20 मॉडिफिकेशन भी करके रखा है, तो उसके लिए जो है गाइस, चैनल पे नए हो MT लवर्स तो सब्सक्राइब कर दो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू शुड यू बाय MT-15 और नॉट। भाई सिंपली बात है गाइस, क्योंकि 210,000, यस इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट गाइस, इट्स अ बिग अमाउंट। तो 210,000 आप पे कर रहे हो एंड ये जो है वर्थ एवरी पेनी है कि नहीं, ये आपको जानना बिल्कुल 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 क्या है यार, जरूरी है। यस, सो चलो गाइस आपको चलते हैं सीधा, मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में एंड दिखाता हूँ न्यू 2023 फुल्ली लोडेड यामाहा YZF MT-15 विद स्लीपर क्लच एंड ड्यूएल चैनल ABS। सो थ्रॉटल फैम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस फाइनली वी हैव द न्यू मॉडल ऑफ MT-15 एंड आई है भाई, इस लुक से प्यार आपको कैसा नहीं हो सकता भाई। इफ यू आर अ नेकेड मोटरसाइकिल लवर एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाई अ मोटरसाइकिल अंडर 200cc एंड योर बजट इज अंडर 2 lakh rupees, जबकि ये बाइक 2 lakh 10 के आसपास आता है, बट भाई ये लुक के लिए तो 10,000 कोई भी कंसिडर कर देगा, यू भाई यू। एंड उससे भी बड़ा बात है इसका तो एक मतलब समुराई वाला लुक तो है ही गाइज, एज वेल एज देखो भाई ये जो इंजन है ना भाई, ये इंजन के पीछे दुनिया पागल है बिकॉज इट्स अ यामाहा इंजन, जापानीज टेक्नोलॉजी। सो गाइज लेट्स टेक दिस मशीन फॉर अ शॉर्ट स्पिन एंड इट्स अ फन टू राइड मोटरसाइकिल, एज यू कैन सी भाई मीटर वगैरह काफ़ी सेक्सी होकर रखा है एंड बाइक भी 19-20 फुल्ली लोडेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं फुल्ली मॉडिफिकेशन वीडियो दिखाने वाला हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल, शुड यू बाय दिस नेकेड समुराई इन 2023 और नॉट मैन, एंड ये जो है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो गाइज चलो गाइज लेट्स टेक दिस मशीन फॉर अ शॉर्ट स्पिन एंड लेट्स सी व्हाट यामाहा gives in this motorcycle and why this motorcycle has craziest fan base. Wow man, it's one of the torqueiest motorcycles. 0 to 100 is quite impressive man, quite impressive. Wow man, crazy. तो चलो आगे जाके थोड़ा रुकते हैं एंड इसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि राइड करते ही मुझे जो है एकदम से जोश आ गया। एंड यस, इसके लिए क्यों मतलब आप इतना यामाहा ने चार्ज किया है वो मुझे देख के मुझे पहले गुस्सा आया था कि यामाहा क्या कर रहा है, इतना एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल 155cc क्या कर रहा है। बट नो आई रिग्रेट माई वर्ड्स। यस गाइस, क्योंकि भाई यामाहा ने जो इस मोटरसाइकिल पर दिया है ना गाइस, आई डोंट थिंक सो कोई अदर कंपनी दे पाएगा। And this machine produces 18.1 bhp at 10,000 rpm. Yes guys, that's why it's one of the torqueiest motorcycle under 200cc and it produces 40 newton meter of torque at 7,500 rpm. And iska jo curve bed hai guys, mashallah 140 kilo to lag hi nahi raha hai guys, 140 kilo mujhe lag raha hai ye halwa hai and mujhe khane ko diya hai mera dost ne.
एंड क्या ही बोलूँ, यस ऑब्वियसली मेरे दोस्त का जान है ये, एंड जैसे बॉयज़ का फर्स्ट लव मोटरसाइकिल होता है, ये गर्लफ्रेंड नहीं, तो वैसे ही मुझे इसे प्यार से जतन करके थोड़ा चलाना पड़ेगा। बट क्या ही व्हीलीज लेता है मैं, ये व्हीली मशीन है मैन, व्हीली मशीन है, बोल बोल के 90 डिग्री आप व्हीली इस पे, यस पावर थोड़ा सा लैक है गाइस, बट स्टिल इनिशियल काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। थर्ड गियर तक इसका परफॉर्मेंस आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन व्हेन यू शिफ्ट द फोर्थ एंड फिफ्थ गियर देन यू विल फील द पावर। ये सिक्स गियर पे थोड़ा सा लैक है, बट स्टिल 0 to 100 भाई ऐसे ही हलवे की तरफ पहुंच जाएगा ये। देख रहे हो ना भाई कैसे दहाड़ रही है ये मशीन। तो थोड़ा एम्प्टी सा जगह देख के रुकेंगे, एंड रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है गाइस इस मोटरसाइकिल का। 2,09,000 रुपये यामा चार्ज कर रहे हैं, एंड नाउ इट्स कम्स विद डुअल चैनल ABS। फ्रंट का डिस्क जो है आपको देखने को मिल जाएगा 280 mm, एंड पीछे का 220 mm। तो सोच ही सकते हो फ्रंट में मिल जाएगा आपको जो है USD फोक्स, जो कि थोड़ा सा स्टिफर साइड है। बट क्यों स्टिफर साइड है, तो उसके लिए ये देखो, ये पैनिक ब्रेकिंग पे हैंडल बबल नहीं करेगा ना। सो ये मोटरसाइकिल है जो 150 cc है, तो इस पर जो है इस पे तो हमें स्टीयरिंग डम्पर देखने को नहीं मिलता है ना, दैट्स व्हाई यामा ने जो है दिमाग लगा के दिया हुआ है। पिकअप नहीं है यस, लेकिन ये जो है इंजन का रिफाइनमेंट है ना, स्लीपर क्लच है ना, ये 220 में मिल जाए ना तो अपन लोग जो है क्या बोलूँ बजाज को थैंकफुल करेंगे। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, एंड हमारा बजाज जो है इंडियन है। बट स्टिल इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल, द लेजेंड पल्सर 220। सो एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दिस मोटरसाइकिल MD15, एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन यू गाइज यस, क्योंकि भाई ये मोटरसाइकिल ने मुझे स्पीचलेस कर दिया है। हाँ, नेकेड मोटरसाइकिल है गाइस, थोड़ा सा बबल है। सो अगर आपको अच्छा, मतलब आप सोच रहे हो ना, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस मोटरसाइकिल एंड इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, देन यू कैन गो फॉर दिस मशीन। इनसेन पावर, मतलब बहुत ही एग्रेशन के साथ पावर ये डिलीवर नहीं करता है, थोड़ा रुक के स्मूथली प्यार से धीरे से हौले से ये पावर डिलीवर करता है गाइस, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। यस, अगर वो ड्यूक 390 होता तो ऑब्वियसली व्हीली लेते वक्त और थोड़ा पॉपअप हो जाता, नहीं इंसेन पावर डिलीवर करता, बट दिस मशीन इज जस्ट क्रेजी मैन। सो इन वन वर्ड, अगर आप नेकेड मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, ज़्यादा वीडियो को मैं खींचूंगा नहीं भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देखोगे ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए आप लोग, कन्फ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज देर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस मशीन मैन। ये मशीन का कोई ऑल्टरनेटिव मशीन है ही नहीं, इट्स मतलब बेस्ट इन इट सेगमेंट गाइस। ये समुराई लुक देख लो भाई, कतई जहर, एंड एग्रेशन के साथ जो फ्रंट फेयरिंग के साथ ये टैंक के साथ ये किया हुआ है, वो तो काफ़ी बढ़िया टैंक से याद आया गाइस। ये जो टैंक है लगभग आपको 10 लीटर का देखने को मिलता है, एंड ये 2023 मॉडल है, तो E20 से पहले है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई भी E20 आपको देखने को नहीं मिलेगा। E20 पेट्रोल सपोर्ट नहीं करेगा, दिस साइकिल नहीं करेगा। टेल लाइट देख लो, काफ़ी प्यारा सा फुद्दू सा टेल लाइट है गाइस, एंड सेक्सी है गाइस। सो ये मोटरसाइकिल पीछे आपको 140 mm का जो है टायर, 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा, 220 mm का पीछे का डिस्क साइज है, एंड डुअल चैनल ABS है। फ्रंट में आपको ये USD देखने को मिल जाएगा, एंड फ्रंट टायर जो है वो है 180 17 सेक्शन। सो एंड ये USD फोक्स काफ़ी बढ़िया है, फ्रंट में एक ही प्रोजेक्टर मिलता है इस पर, हाई बीम लो बीम है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है कंसोल। सो एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ, एंड जैसा आपने देखा मैंने वीडियो तो बनाई हुआ है, एग्जॉस्ट नोट फिर भी आपको सुना देता हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी प्यारा है इसका एग्जॉस्ट नोट, एंड आई जस्ट लव इट। सुन सकते हो गाइस, एक बल्किनेस है, एंड इसके रिम्स वगैरह कलरफुल काफ़ी सेक्सी लग रहे हैं मैन। सो अगर थोड़ा सा जो है एम्प्टी हो जाने देता हूँ, सो ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते हुए मैं इतना ही बोलूँगा, पाँच मिनट का ये वीडियो पे, आंख बंद करके ये मोटरसाइकिल ले लो। अगर आपको R15 नहीं पसंद, एंड आप लॉन्ग राइड्स के लिए देखना चाहते हो, तो लॉन्ग राइड्स के लिए एक मोटरसाइकिल देख रहे हो, सिटी पे डेली कम्यूट के लिए देख रहे हो, काम पे जाना है, रील्स करना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, लॉन्ग राइड पे जाना है, तो दिस मोटरसाइकिल इज़ फॉर यू, नॉट दी
RS200 और R15 और दी नॉट दी NS200 वो सामने की तरफ कुछ ज़्यादा ही हैवी है, बट स्टिल BS7 NS पे काफ़ी पावर है। एंड इसका भी जो टॉप स्पीड है आपको 135 से 138 140 तक देखने को मिल जाएगा। इंजन थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है, दैट्स वाई जो है टॉप स्पीड थोड़ा सा कम हो गया है, बट स्टिल यू शुड गो फॉर दिस मशीन मैन। 2 लाख में वैल्यू फॉर मनी है गाइस, वैल्यू फॉर मनी एंड इट्स वर्थ एवरी पेनी। सो दिस इज अरिंदम साइनिंग ऑफ द ब्लॉग चिल्ड्रन बी सेफ। एंड ज़्यादा ज़्यादा भाई का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड एक कमेंट प्यारा सा छोड़ के जाना MT लवर्स। एंड जो लोग MT लवर्स नहीं है, भाई के लवर्स है, वो भी एक प्यारा सा कमेंट, एक हर्ट जरूर से छोड़ते हुए जाना। एंड भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लो, नीचे आई डिस्प्ले हो रहा होगा। सो टिल देन दिस इज अरिंदम साइनिंग ऑफ द ब्लॉग चिल्ड्रन बी सेफ, बाय।